फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। यस, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम जलेबी बनाना। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, और मैदे में हमने 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाल दिया है। देसी घी भी डाल सकते हैं। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं थोड़ा सा, और बैटर को खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है, एक भी लम्स ना रह जाए इसमें। ये देखिए, खूब अच्छी तरह फैट लिया है हमने इसको, और बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम रख देते हैं जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। हमने लगभग 1 कटोरी चीनी ली है। और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। अब इसको हम गैस पे रख देंगे। अब इसमें हम खाने वाला कलर डालेंगे थोड़ा सा। पानी जब बॉईल हो गया है तभी हमने इसमें थोड़ा कलर ऐड किया है। इधर हम कोन बना लेते हैं। जो कॉफ़ी का कवर आता है उस पॉलीथीन का मैं कोन बना रही हूँ। आप कोई पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की। इसको टेप हम लगा देंगे। ये देखिए, कोन हमारा तैयार हो गया है। इधर चाशनी भी बन गई है। चेक कर लेते हैं, बस इतना ही हमको चाहिए था कि चिपकने लगे थोड़ा सा। अब हम गैस बंद कर देते हैं। इधर कढ़ाई में हमने रिफाइंड तेल डाल दिया है। बैटर देख लेते हैं थोड़ा, इसमें हम और पानी ऐड कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्लास में हमने कोन रख दिया है। अब इसमें बैटर डालेंगे। अब कोन को काट लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा मोटी जलेबी चाहिए तो उस हिसाब से आप काटिए, अगर पतली चाहिए तो थोड़ा काट लीजिएगा। तेल गर्म हो गया है, अब जलेबी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। लो फ्लेम कर दिए मैंने। जलेबी जब भी बनाइए लो फ्लेम पे बनाइए आप, तभी वो अंदर तक क्रिस्पी रहती है। ये देखिए, जलेबी तैयार है। कुछ ज़्यादा क्रिस्पी थी, कुछ कम। अब मैं इसको चाशनी में डाल दूँगी। और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। अच्छे से कोट कर लेती हूँ। जलेबी अच्छे से कोट हो गई है। अब मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है जलेबी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।